वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, सब लोगों को गेमी एंडोज की तरफ से 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब अपने घर पे मजे कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए गाइस, आज मैं बहुत ही डिफरेंट गेम खेलने जा रहा हूँ जिसका नाम है गैस स्टेशन फीलिंग। गाइस, मैंने आज एक गैस स्टेशन ओपन कर लिया है जहाँ मैं जो भी कस्टमर आएगा मैं उनके व्हीकल में गैस डालूंगा और मैं क्या करूँ क्या करने वाला हूँ फल कुछ भी जो भी होगा वो आपका आँखों के सामने ही होगा। मेरा एक ऑफिस होगा, उसके अंदर कुछ पीसी सिस्टम होगा। पीसी में मुझे क्या है, जो भी सामान मेरे पास नहीं होगा वो मैं पीसी के द्वारा ऑर्डर करूँगा और वो सामान मेरा आ जाएगा। ठीक है गाइस, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास गैस की कमी हो गई है और मैंने पहले ही अटैम्प्ट में कम से कम 150 केजी गैस ऑर्डर कर दी और जैसे ही मैं ऑर्डर करूँगा गैस मेरा जो ट्रक है वो भर के आ जाएगा और वो जो ट्रक होगा वो मुझे एक टैंक होगा क्या जो भी अपने जिसका भी पेट्रोल पंप है फिर गैस स्टेशन जो भी है क्या होता है बड़े बड़े 18,000 केजी 20,000 केजी और 25,000 के बहुत बड़े बड़े टैंकर होते हैं। तो गाइस, कभी भी जिसके पास भी पेट्रोल पंप है या फिर सीएनजी क्या है, वो कभी भी कोई भी आदमी हो वो कभी भी ये नहीं देखता कि उसको, वो यही चाहते हैं कि जो मेरा कस्टमर आए वो मेरे से सेटिस्फाई होके जाए। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जो ऑयल है डीजल वो कम पड़ रहा है या फिर ज़्यादा है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ऑयल कम पड़ रहा है तो फिर आपका जो भी आपका पेट्रोल पंप है तो गैस पेट्रोल पंप होने के साथ साथ में गैस उस पेट्रोल पंप के साथ में आपका नाम भी जुड़ा होता है। क्या होगा, इसमें आपका नाम ख़राब होगा, आपका पेट्रोल पंप का नाम ख़राब होगा और अगर नाम ख़राब हो गया तो आप लोगों के पास बहुत कम लोग पेट्रोल डीजल सीएनजी गैस डलवाने आएंगे। ठीक है गाइस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आप सर्विस दे अपने कस्टमर को आपको बेस्ट से बेस्ट सर्विस देनी चाहिए, ताकि कई बार ये भी होता है कि गैस स्टेशन पे बहुत से लोग धोखाधड़ी करते हैं, वो मशीन में कुछ गलत सलत कर देते हैं या फिर कुछ भी गलत सलत कर देते हैं। मतलब कि आजकल आप देख रहे हैं जो पेट्रोल डीजल के दाम हैं वो बिल्कुल आसमान छू रहे हैं। तो गाइस जो भी जो नौकरी पेशे वाले लोग, तो उनके लिए क्या गाइस, उनके लिए जो टू व्हीलर व्हीकल होता है वो बहुत ही मतलब आम, उनके बिना उनका काम हो ही नहीं सकता। जैसे स्कूटी हो गई, बाइक हो गई, ये सब चीज़ों के बिना गाइस आज के टाइम काम चलता ही नहीं है। पर आज इसके साथ में गाइस अब जैसे जैसे लोगों की सुविधाएं बढ़ी वैसे वैसे लोगों ने कार भी इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। अब गाइस क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक एम्प्लॉई आप ऑफिस में जाते हैं या फिर आप एक स्टूडेंट है आप बाइक पे जाते हैं, तब क्या होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास हीरो होंडा स्प्लेंडर बाइक है, स्प्लेंडर बाइक क्या है गाइस, स्प्लेंडर बाइक बहुत ही अच्छी एवरेज देती है। आप एक लीटर आप उसमें पेट्रोल डलवाएंगे तो आप काफ़ी मतलब उसमें ट्रैवल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका आना जाना 80 किलोमीटर हो गया तो आप 1 किलोमीटर में आप पूरा कर लेंगे। ठीक है गाइस, पर फिर भी ठीक है गाइस, अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं कर पाते तो आप और एक्स्ट्रा भी डलवा सकते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी गाड़ी या फिर आपकी बाइक चल रही है और अचानक से पेट्रोल की वजह से आप रुक जाएं और आपका समय भी बर्बाद हो और फिर आप इधर उधर मारे फिरें। ठीक है गाइस, तो चलेगा मैं अभी प्ले पे क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने आज एक गैस स्टेशन ओपन किया, यहाँ पे मैं अपने कस्टमर को बेस्ट से बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करूँगा। ये किया मैंने प्ले पे क्लिक, अभी थोड़ा वेट करिए, वेट करने के बाद जो स्क्रीन होगी वो आपके सामने होगी। तो गाइस ये है मेरा पेट्रोल पंप। तो गाइस अभी मेरे पास इस टाइम 130 लीटर जो भी ये गैस है इसके अंदर उपलब्ध है। ठीक है गाइस, तो अभी आप स्क्रीन पे देखिए गाइस एक गाड़ी आ रही है, वो गाड़ी गाइस जो गैस है वही डलवाने के लिए आ रही है गाइस। ठीक है, तो ये है मेरा गैस स्टेशन, ये देखिए ये है मेरा ऑफिस जहाँ पे मैं बैठता हूँ, जहाँ पे मेरा मैं हिसाब किताब करता हूँ, यहाँ पे डस्टबिन सब कुछ है। तो जो कस्टमर है वो आ गया है
और ये किया मैंने पिक। अब क्या है, मुझे इसके अंदर ये मैंने ओपन कर दिया है। ओके, तो अभी क्या बताया गया, फ्यूल ऑर्डर 20 kg इसमें गैस डलेगी। ओके, तो मैंने बिल्कुल करेक्ट डाली है। तो आपने देखा कि इसमें एक एरो भी आ गई थी, एक निशान भी आ गया था। अब निशान जैसे आया, ओके, तो दोबारा से एक और कोई मेरा कस्टमर आ गया है, तो दोबारा से मैं इसके अंदर गैस डाल दूंगा। काफ़ी बेकार गाड़ी लग रही है गाइस। ओके, 15 kg गैस डालनी है। ओके, तो इनके भी मैंने गैस डाल दी। ठीक है गाइस, सो जो मेरे पास पैसे आते जाएंगे उससे मेरा प्रॉफिट होता जाएगा। तो एक एक व्हीकल और आ गया, इसमें दो बंदे बैठे हैं और ये भी काफ़ी पुरानी गाड़ी लग रही है। तो ये उठाया मैंने दोबारा से CNG का ये पंप और इसके अंदर डाल दिया। 19 kg गैस चाहिए इनको। ओके, ठीक है, मैंने डाल दी है 19 kg गैस। अब ये देखिए, पहले मेरे पास 150 लेवल अप हो गया। यू हैव गेन 60 RP, राइट राइट। सो भी ये कोई गाड़ी आई है। ठीक है, ये मैंने दोबारा से पिक किया और मैंने इसके अंदर डाल दिया। इतना डालना है गैस, कितनी केजी डालनी है, सिर्फ 16 kg। ओके, तो मैंने इसमें भी डाल दी और दोबारा मैंने गैस स्टेशन जो भी पाइप मैंने लिया था वो मैंने दोबारा से चढ़ा दिया है। तो अभी ये देखिए गाइस, गाड़ी आते जा रही है और मेरा प्रॉफिट भी होता जा रहा है। ये कोई गाड़ी आ गई है, काफ़ी धीरे चलाते हुए ला रहा है ये बंदा। ये मैंने दोबारा से किया, ये मैंने डाला गैस का पंप। अभी 18 kg गैस चाहिए। और गाइस मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो गैस होगी ना गाइस वो हमेशा केजी में डाली जाती है, वो लीटर में नहीं डाली जाती। ठीक है, आपने देखा होगा कि आपकी जो अब फॉर एग्जांपल आप CNG चलाते हैं तो वो केजी में डलती है, ना कि लीटर में। ये सब बातें आप जानते होंगे। ओके गाइस, तो एक कोई वैन आ गई है, मैं इसमें भी डाल देता हूँ फटाफट से गैस। 19 kg गैस डलेगी इसमें। ओके, डाल दी है मैंने। ओके, नेक्स्ट, अब कौन आएगा, हुज नेक्स्ट। तो गाइस अभी आपने देखा मेरे पास अभी सिर्फ 26 लीटर गैस उपलब्ध है। तो अभी मुझे क्या करना होगा गाइस, मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये आप देख रहे हैं ना गाइस, क्या अभी नीचे देखिए, देखिए नीचे यहाँ पे आपको फुटप्रिंट दिख रहे होंगे। तो इनका मतलब क्या है कि मुझे अंदर जाना होगा। अंदर एक रखा है कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर क्या होगा, मुझे जो गैस होगी वो ऑर्डर करनी होगी और मुझे 150 लीटर दोबारा से गैस मंगानी होगी। तो मैं डाल देता हूँ, ग्रैब गैस पंप फर्स्ट टू स्टार्ट फ्यूलिंग। ग्रैब गैस पंप फर्स्ट टू स्टार्ट फ्यूलिंग। ओके, मुझे इसके अंदर जाना है, मैंने बताया था जैसे कि। ओके, ये है मेरा PC, ये प्रिंटर रखा हुआ है मेरा, ये देखिए फ्यूलिंग सप्लाई। तो गाइस अब ये देखिए मेरे पास ये जो जो टैंकर बना, आप ये स्क्रीन में देखिए क्या दिख रहा है आपको, 1200 लीटर का ये एक टैंकर है जिसके अंदर मैंने गैस पूरी, पहले तो उसमें सिर्फ 150 ही थी और मैं अभी क्या करता हूँ 300 लीटर रिफिल करवा लेता हूँ। और 300 लीटर रिफिल करवाने के बाद में मैंने पे करने होंगे
$303. Supply is progress, right? सो गाइज मैंने यहाँ पे ऑर्डर कर दिया है अपना फ्यूल। तो गाइज अभी कोई ट्रक आ रहा होगा, वो ये देखिए, ये है वो टैंक। गाइस कस्टमर जा रहे हैं गाइस, एटीन केजी। ओके तो मैंने इनके में डाल दिए, अभी जा सकते हैं। सिर्फ अब इसमें 18 लीटर बची है। गाइस अब ये देखिए, अभी जो ये टैंकर है ना, जो मैंने गैस ऑर्डर की थी, वो अभी आने वाली है। तो अभी थोड़ी देर में आपको टैंकर दिख जाएगा। अब ये देखिए लेफ्ट साइड में आपको देखिए 171, ये कुछ होता जाए। देखिए अभी कोई टैंकर आने वाला है, अब क्या होगा, मैंने गैस भरवा लेनी है। ये मेरा गैस स्टेशन है सारा का सारा। अब गाइस करे क्या, अभी गाड़ी तो खड़ी हुई, मैं भी नहीं चाहता कि मेरा लॉस हो और ये ऐसे बिना गैस के चले जाए। तो वो देखिए उधर देखिए, गैस मेरी आ गई है। अब मुझे क्या हो, पाइप के थ्रू ये देखिए भरना भी स्टार्ट हो गई है फटाफट से। ये देखिए अभी इसके अंदर ये पाइप देख रहे हैं ना गैस, अभी इसके साथ कनेक्ट है। तो ये है वो टैंक जिसमें मैंने बहुत सारी, ये देखिए 309 लीटर पूरा ये भर गया है। तो गैस मैंने क्या कहा था, मैंने इसमें 150 लीटर ही गैस रखी। अब 50 लीटर से क्या हुआ गैस, 150 लीटर से क्या हुआ, वो उपलब्ध नहीं, मतलब कि वो मतलब लोगों की नीड पूरी नहीं कर पाई। ओके तो इनका भी मैंने फिल कर दिया है। तो अभी आप जा सकते हो नेक्स्ट, आगे आइए, आगे कौन आएगा। ये कोई गाड़ी आ गई है, ये डाला मन गैस पाइप। ओके इनका भी मैंने डाल दिया है, आगे आइए नेक्स्ट। ओके मुझे थोड़ा पीछे होना होगा तभी तो आगे आएंगे। ये दोबारा से डाल दिया मैंने। ओके 15 kg गैस इनको चाहिए थी, वो मैंने डाल दी है। अभी गाड़ी आएंगी और भी आएंगी। तो अभी तक तो मैंने सारा सब कुछ कर दिया है। वो देखिए वहां से और गाड़ी आ रही है। ओके ये आ गई है गाड़ी। ये डाला मैंने पाइप 17 kg। ओके तो मैंने डाल दी है यहाँ पे और ये गाड़ी भी आगे चली गई है, और गाड़ी आ रही है अभी। तो गाइस मैं क्या कह रहा था कि ये देखिए, ये जो सर्विस स्टेशन है, मैंने क्या किया था, इसमें जो फुटप्रिंट बने हुए इसके अंदर मैं गया और मैंने गैस ऑर्डर की, और कुछ ही मिनटों के बाद वो ट्रक गैस भर के आ गया। और मैंने जो मेरा जो टैंकर बना हुआ ऑलरेडी इस पे, तो पैड जो गैस स्टेशन पर जो टैंकर बना हुआ उसके अंदर मैंने वो गैस सारी डाल दी।
आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये दो आदमी रुके क्या करने आए। हो सकता है कि ये कुछ खाना वाना भी खाने आए, क्योंकि जो गैस स्टेशन पेट्रोल पंप होता है आजकल, वहाँ भी लोग अपनी कोई छोटी मोटी दुकान खाने पीने की बनाए रखते हैं, जैसे चाय हो, कोई स्नैक्स वगैरह की हो गई, ये सब चीज़ें भी पेट्रोल पंप पर बड़ी आसानी से अवेलेबल होती हैं। हो सकता है कि इनको भूख लग गई हो। लेफ्ट यून सर्व, गो टू द शॉप एंड सर्व कस्टमर, क्या सर्व करना है। स्पोर्ट वाटर, ओके, स्पोर्ट वाटर, ओके। तो मैं इनमें अब ये दे रहा, स्पोर्ट वाटर $35 का, नेक्स्ट पे, ओके। तो ये स्पोर्ट वाटर आ गया है यहाँ पे, माजा ये आ गई यहाँ पे। अरे माजा एक क्यों करें, 20 कर सकते हैं। तो मैंने 20 माजा ऑर्डर कर दी यहाँ पे, पूरा भर के लेना पूरा कार्ट को, ताकि कोई भी कस्टमर आए वो रूठ के ना जाए। 10 मैंने पोकर भी ले लिया है, अभी कोई ड्रिंक लग रहा है, एनर्जी ड्रिंक हो सकता है, ओके। ऑरेंज जूस $35 का है, ये भी मैंने इसमें डाल लिया है भर भर के। और क्या है इसमें, एप्पल जूस, एप्पल जूस रख लिया है मैंने। ओके, रूबीकॉर्न, तो ये भी मैंने रख लिया है, रूबीकॉर्न। गाइस अभी मैं बाहर की तरफ भागता हूँ। ओके, तो जो भी इन्होंने मांगा था वो मैंने इनको दे दिया, जो भी लड़की आई थी। तो मैं फटाफट से अपना गैस स्टेशन भागता हूँ, काफ़ी भीड़ हो रखी है कस्टमर की। उन्हें कस्टमर कहेंगे कि पेट्रोल पंप का मालिक कहाँ गया। ओके, ये भी भर गई है गाड़ी, तो अच्छा हुआ कि ये जो बंधु थे ये नाराज होके नहीं गए, अदरवाइज जो मेरा पेट्रोल पंप है इसकी बदनामी होती। इसके अंदर भी मैं गैस डाल देता हूँ, 19 kg डाल दी है मैंने। ओके, तो यहाँ भी ये देखिए, ये टैंक है परचेज्ड, वो कस्टमर आ गए हैं। तो गाइस पेट्रोल पंप पे क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, आप जब पेट्रोल डलवाते हो क्या होता है, बहुत से लोग ये भी करते हैं कि अपना उन्होंने कुछ फॉर एग्जांपल कुछ खाना पीना चाह रहे, चाय से पीना चाह रहे हैं, तो कई जो पेट्रोल पे वो भी प्रोवाइड कर देते हैं, तो उनके पास वो सब चीज़ें होती हैं। इसमें भी डाल दिया मैंने गैस। ओके, ये फिल हो गई गाड़ी, अभी ये मोड से यहाँ से जा सकते हैं। एक और गाड़ी आ गई है, लेवल अप हो गया यहाँ पे। आइए आइए फटाफट से आइए और गैस भरवाइए, आइए आइए। ये कोई गाड़ी आ गई है, कितनी चाहिए इनको फ्यूल, 19 kg। ओके, हो गई ये गाड़ी, भर गई है, ये भी अब आगे बढ़ेंगे।
गाइस मुझे यहाँ पे ना अपना स्टाफ बढ़ाना चाहिए, मतलब गैस डालने के लिए, फिल करने के लिए, मतलब गाइस 2-3 या के 4-5 जितने भी हो सके उतने बंदे चाहिए चाहिए, और अंदर भी चाहिए अंदर। फॉर एग्जांपल किसी को कुछ खाने पीने की चीज़ चाहिए, तो अब ये तो है नहीं कि पेट्रोल पंप जो डाल रहा है वो अंदर जाएगा और दे के आएगा, ऐसा नहीं होता गाइस। इसमें टाइम भी ख़राब होता है और गड़बड़ होने के भी शंका बढ़ जाती है। तो 29 kg चाहिए था, और गाड़ी काफ़ी बड़ी भी लग रही है। हो सकता कि ये जो गाड़ी आप देख रहे थे इसकी जो फ्यूल टैंक है वो काफ़ी बड़ा हो। एक गाड़ी आ गई, कोई पिकअप वैन लग रही है। 27 kg गैस चाहिए, ये भर दी है मैंने। प्लस 12 टिप, 12 रुपये टिप के भी दे दिए हैं। तो अब वो देखिए उधर वो गाड़ी रुक गई, तो मुझे अंदर जाना होगा। तो मैं अभी अंदर जा रहा हूँ, बिकॉज मुझे अंदर के कस्टमर को भी देखना होगा। मैंने बताया कि मैं एक ही हूँ, अकेला ही हूँ, मेरा स्टाफ इधर उधर नहीं है। ओके, तो अभी यहाँ से ले सकते हैं। ओके, हाउ कैन आई हेल्प यू सर? लाइन चॉकलेट। तो ये जो हैरी नाम की लड़की देख रहे हैं, हैरी तो एक लड़के का नाम होता है, बट फॉरगेट इट, अनलो कॉस्मेटिक को भी मैंने खोल दी है, स्नैक्स के लिए भी मैंने ओपन कर दी है, किसी चीज़ की कमी नहीं रहनी चाहिए। अब प्रोडक्ट स्नैक्स, तो मैंने स्नैक्स भी इसमें भर दिए सारे। अब इनको क्या चाहिए थी? लाइन चॉकलेट चाहिए थी। ओके, लाइन चॉकलेट हो गई है। पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न में काफ़ी हो गए, तो टोटल हो गया $550। तो मैंने पे कर दिए और सारा सामान मेरा इस कार्ट के अंदर आ गया है। तो अभी मुझे इस लड़की को, ये जो लड़की है इसको क्या देना था? ओके, तो ये इसके अंदर आएगा, जो प्लास्टिक का आप देख रहे हैं। -60। ओके, एनर्जी ड्रिंक, $90 का एनर्जी ड्रिंक है। ऑरेंज कौन सा एनर्जी? ओके, ये चाहिए एनर्जी ड्रिंक $90 का। तो मैंने दे दिया इनको एनर्जी ड्रिंक, ये मैंने किया पिक। पेट्रोल पंप, तो गैस स्टेशन के बाहर चलते हैं, काफी कस्टमर वेट कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, भर दिया इसको मैंने। आगे नेक्स्ट, ये कॉपी का पेन दोबारा से आ गई है। काफ़ी बड़ा पंप होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, काफ़ी दूर तक जा सकता है गैस, मतलब जो पाइप होता है जिससे फ्यूल वगैरह भरते हैं वो काफ़ी दूर तक जा। ओके, सो उस गाड़ी में मैंने डाल दिया फ्यूल, 27 kg इनको चाहिए था। एक गाड़ी और आ रही है, तो भी मेरे पास 27 लीटर। जैसे ये गाड़ी जाएगी
मैं और फ्यूल के लिए ऑर्डर करूंगा और ट्रक मेरे पास आ जाएगा। बट गाइस एक बात समझ में नहीं आ रही मेरे, इतनी गाड़ी आ रही है इतनी गंदी क्यों हो रखी? हो सकता है कि ये जो जगह है ये काफी रेतीली जगह हो जहां पे बहुत सारा रेत उड़ता हो, ऐसी जगह हो सकती है ये। बट ये अपना इंडिया तो नहीं लग रहा, ये हो सकता है दुबई हो, वहीं ऐसा होता है। तो मैं अभी अंदर जाता हूँ और गैस ऑर्डर कर देता हूँ अपने पीसी को। पीसी मेरा हमेशा ऑन रहता है इसका ऑफिस के अंदर। ओके, फ्यूलिंग सप्लाई, सप्लाई प्रोग्रेस, मार्केट, तो इन सब चीजों को भर भर के रखते हैं ताकि किसी चीज की किसी भी कस्टमर को कमी ना रहे। टी लीव्स, बट गाइस टी लीव्स को कोई क्यों लेगा? बट हो सकता है कोई ऑर्गेनिक टी लीव्स हो जो कस्टमर को मन के उनको उसका जो टी लीव उनका अच्छा टेस्ट लगता हो सकता है ये। बिकॉज जो पेट्रोल पंप होते हैं ना उस पे तो आजकल गिफ्ट आइटम भी रखते हैं, बिकॉज उस पे जो जो गाड़ी होती है उसके अंदर छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, और आपको बच्चों का पता ही होता है जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनको कोई भी चीज़ दिख जाए वो लेके रहते हैं, भले ही चाहे उनको रोके लेनी हो वो उस चीज़ को लेके रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल उनको चॉकलेट लेनी है, कोई टेडी दिख गया, कोई बार्बी डॉल दिख गई, कोई बॉल दिख गई, कोई फुटबॉल दिख गई, कोई बैट दिख गया, सब ले लेंगे। ये बिस्किट है, ओके। तो मैंने अपनी जो शेल्फ बना हुआ लकड़ी का उसके अंदर रख दिया है। सो ये कोई बंदे आए हैं अपने पास लेमन सोडा लेने। लेमन सोडा, स्पोर्ट वाटर? नो, लेमन सोडा ही आ, लेमन सोडा ही आ गया है पे। ये लेमन सोडा। सो गाइस ये ट्रक भी आ गया है, तो जो है ओके। ओके, तो मैंने इनको जो लेमन सोडा लेने आए थे वो मैंने इनको दे दी है। इनको क्या चाहिए? ओके, ये गाइस हो सकता है कि ये वेट के लिए हो सकता है, या फिर ये जो बार कोड उसको रीड करती हो ये मशीन। अब मैं इनको दे दूंगा। ओके, ये भी मैंने इनको दे दिए। फटाफट से मैं बाहर जाता हूँ। जो मेरा जो ट्रक था वो पूरा भर गया है। सब देखिए, मैंने जैसे ही मंदिर आया और मेरे कस्टमर नाराज होके चले गए। बिकॉज ये जो बंदा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे गाइस, ये सिर्फ एक ही बंदा है, और गाइस एक बंदा गाइस पेट्रोल पंप में कभी भी कुछ मतलब ज़्यादा नहीं कर सकता। वो कितना क्या संभाल लेगा गाइस? वो पेट्रोल डालेगा, अंदर लोगों को संभाले, उनको चीज़ों को संभालेगा। ऐसे में तो गाइस कस्टमर कभी भी सेटिस्फाई होगा ही नहीं आपसे। मैं सिर्फ अभी सिर्फ गाइस दो काम कभी भी एक बार नहीं हो सकते। हर एक काम उसका अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग उसका मतलब करने का तरीका होता है, उसका समय होता है। अभी गाड़ी आए जा रही है। अब मैं ये नहीं है कि मैं पेट्रोल गैस डाल रहा हूँ और अंदर जाऊँ और दोबारा से इनको खाने पीने की चीज़ें ऑर्डर करूँ। ये तो बट
बिल्कुल भी उचित नहीं है। डाल देता हूँ उसके अंदर में गैस, भर दिया मैंने। एक मिनट अभी मैं ये चाह रहा हूँ गैस, मैं इस दरवाजे को बंद कर दूँ। बंद क्यों कर दूँ वो बता देता हूँ आपको अभी थोड़ी देर में। ओके गाइस, तो मैं अपना गेट यहाँ से बंद नहीं कर सकता हूँ। मैंने बताया था ना गाइस, आप देखा कि गार्ड जो ये मेरा जो गैस स्टेशन है काफ़ी गंदा हो गया है, तो मुझे सामान फटाफट से अब यहाँ पे क्लीन करना होगा। ये देखो लोगों ने खा पी के और अपना लिया, ये बोतल देखो। अब गाइस मैं दूसरा काम बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज जब तक ये पूरा क्लीन नहीं होगा तो कैसे चलेगा। फोन भी रिंग कर रहा है मेरा। सबसे पहले स्ट्रेस कैन को मैं इसके अंदर फेंक देता हूँ। गो टू द बूथ एंड पिक कॉल। ओके, मुझे अभी बूथ पे जाना होगा और पिक कॉल आई हुई है, तो मुझे वो अटेंड करनी है। यहाँ पे कॉल फ्रॉम अंकल, हे नेफ्यू, हैव यू हियर्ड ऑफ द क्लासेस इन द सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट? वी हैव बीन फाइटिंग विद द मोर पीपल सिंस लास्ट मंथ। ओके, ये काफ़ी कुछ इन्होंने कुछ लिख दिया है, फाइटिंग वाली बात चल रही है। लेकिन गाइस पहला मेरा भी क्या है, मैं मुझे ये सारा फटाफट से क्लीन करना होगा, ये जो भी बिखरा हुआ है यहाँ पे। अब इस कूड़े को डस्टबिन में कहाँ फेंकू मैं? के अंदर नहीं डाल सकता तो कहाँ डालूं? इसके अंदर डाल के देखता हूँ। ओके गाइस, मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पे गैस कस्टमर साथ वेटिंग वेटिंग कर रहे, लेकिन ये भी तो मुझे रखना होगा ना कहीं पे। मैं अब इसको पटक देता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो गैस है ना ये फिल कर देता हूँ, वरना कस्टमर फिर भाग जाए। गैस डाल दी मैंने, अभी आगे बढ़िए। एक वो गाड़ी और आ गई है,
20 kg गैस चाहिए। ओके, ये भी हो गई है फिल। तो गैस आपने देखा, मैंने एक यहाँ पे एक गैस स्टेशन ओपन किया है, जब पे क्या हो काफ़ी मेरे को इसमें प्रॉब्लम भी हुई है, लेकिन क्या है गाइस, यहाँ पे सब कुछ मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ यहाँ पे सिर्फ अकेला आदमी जो कि मैं अंदर भी मैनेज कर रहा हूँ, यहाँ भी मैनेज कर रहा हूँ। तो मैंने क्या कहा आपसे कि दो काम को भी एक टाइम में नहीं हो सकते, तो उनका मतलब कि मैं भी गैस डाल रहा हूँ और अंदर भी लोगों को सर्विस प्रोवाइड करूँ, तो ये मैं कैसे करूँगा। तो मुझे इसके लिए स्टाफ अपना वो बुलाना होगा, स्टाफ को मुझे हायर करना होगा जो कि गैस का काम देखे और फिर अंदर अंदर का काम भी देखो, सफाई का और जो जो गैस डलवाने का वो सारा सब कुछ देखे। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। कीप वॉचिंग गेमिंग एंटोस।